मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आर यू ऑल फाइन बेटा? जो पढ़ाएगी वो देख लेना, मेरे को क्या पता। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रियंका शर्मा बेटा। चलो बेटा अभी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा। वैसे आगे की क्लास पढ़ो तो चलो देखो बेटा, आज मैं आप लोग बोलते हो कि मैडम आप कर्सिव में लिखते हो, कर्सिव हैंडराइटिंग हमें भी सिखानी सीखनी है, हमें नहीं आती, तो मैं आज आप लोगों को कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाऊं? यस मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। आज क्या सीखना है मैडम से ये बताओ पहले, कर्सिव हैंडराइटिंग सीखना है? सीखना है बेटा। चलो तो अपनी फोर लाइन वाली नोटबुक निकालो सभी, और उसमें मेरे साथ साथ जैसे मैं ए बनाती हूँ वैसे ए बनाओ, जैसे बी बनाती हूँ वैसे बी बनाओ, ठीक है? हैंडराइटिंग में सबके पास पेंसिल हो रही है, सबके पास में ही रखो बेटा। मैम कौन सी बुक निकालनी है? मैडम कोई भी रफ नोटबुक निकाल लो, रफ नोटबुक कर से सिखा रही हूँ मैडम मैं आपको, ठीक है? लो बेटा। हाँ आप बच्चे के साथ ही रहना मैडम, ठीक है? उसको पेंसिल शार्पनर इरेजर तीनों साथ में दे दो, और मैं अभी इनको सिखाऊंगी कर्सिव हैंडराइटिंग, क्योंकि मैं जब कर्सिव में लिखती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैडम हमें भी सीखनी है कर्सिव हैंडराइटिंग में। ए टू जेड आज क्या सीखेंगे? कर्सिव हैंडराइटिंग सीखेंगे। निकाला सबने? आर यू ऑल रेडी? यस मैम। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। चलो देखो बेटा, फर्स्ट ऑल ऑफ ए कैसे बनाते हैं ये देखो। ए बनाएंगे ऊपर की तीन लाइन में राउंड करके इस टाइप में, ये क्या हो जाएगा? कर्सिव में कैपिटल ए हो जाएगा। ये नहीं बेटा, ये नहीं, मैं कैपिटल ले तो जाता है ना, आती है ना, कर्सिव में ए बनाओ, कर्सिव में बी सी डी नहीं आता। हां अरे हां लिखो, आपको आती है जैसा मैंने बनाया है वैसा ए बनाओ, ऊपर की तीन लाइन में क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ से पॉइंट करो, सेकंड लाइन से पॉइंट करके फिर इसको ऐसे राउंड में घुमा के अंदर की साइड लेके जाओ, ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। प्रीति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आप देख रहे हो आज अपन क्या सीख रहे हैं? कर्सिव हैंडराइटिंग सीख रहे हैं, और कर्सिव हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती ना, फिर अपनी हैंडराइटिंग भी क्या आएगी, एकदम फ्लो में आएगी हैंडराइटिंग, क्या दिखेगी, एकदम ब्यूटीफुल दिखेगी, सुंदर दिखेगी, ठीक है? ए लिखा आपने बेटा? बोलो यस। यस मैम। ओके नेक्स्ट क्या था है? बाद देखो, में क्या देखो देखो ध्यान से इधर उधर देखो। अरे मैम कुछ है के बाद में क्या आएगा? पी को कैसे बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन, फिर बाहर की साइड राउंड करके फिर अंदर की साइड जैसे बी बनाते हो उस टाइप से बी बना देंगे, और ये जो बाहर निकालते हैं थोड़ा सा उसको बोलते हैं लूप्स। लूप्स क्या होती है? जो एक दूसरे के अंदर अगर वर्ड्स को कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, तो अपन क्या निकालेंगे? लूप्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लूप्स। अब ये देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पी डबल ओ कुक, तो ये निकाला लूप्स, और इसका मतलब होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या करना, जोड़ना। जब अपन ये निकालेंगे तभी जोड़ पाएंगे, और जोड़ेंगे तभी कर्सिव हैंडराइटिंग आएगी, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना बेटा, ये लिखना नहीं है, ये खाली मैंने एग्जांपल समझाया है बेटा आपको, लिखना खाली आप अभी एबीसीडी लिखो।
ये कर्सिव सिखा रहे हैं बेटा, ये ऐसे ऐसे। एक बार मैम से पूछना है मुझे एक सवाल। क्या बी के बाद में देखो बेटा, सी बी सी, सी कैसे बनाया है आप लोग बनाते हो वैसे ही बनाए, इसमें एक छोटा सा लूप निकाल दिया साइड में बाहर, तो ये क्या हो गया सी। अब कैसे बनाएंगे सी ए टी कैट, ठीक है सी, समझ में आ गया बेटा। आगे बनाएंगे डी, डी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, देखो देखो उधर देखो मैम कैसे डी कैसे बनाया आप लोगों ने, ये देखो बेटा खत्म होने के बाद अभी साइड में, अभी कुछ भी नहीं पूछना है बेटा, जब क्लास हो जाएगी तब मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी आप और देखते जाओ मैडम कैसे लिख रही है, वैसे लिखते जाओ आप लोग। डी बनाया बेटा आप लोगों ने, लाइक दिस डी 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 डॉग लिखा, लिखते हैं डेट लग रहा है कर्सिव हैंडराइटिंग में, कितना सुंदर लग रहा है बेटा, लग रहा है ना सुंदर। लिखते हैं डी ए टी, कौन सा सही है, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है ना आपको? नहीं आता आगे देखो, ए बी सी डी ई, ई मैम एक बार नीचे बनाना। हाँ ठीक है चलो बनाओ, इनको रिपीट कर दो नीचे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, रिपीट करो इनको नीचे। चलो रिपीट अगेन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड ऑल द स्टूडेंट, देखो ए लाइक दिस ए, ऐसे ऐसे ए, कितना सुंदर लग रहा है देखो कर्सिव में, देखो है ना ये वाला आपने बनाया था ना ए, अब इस पे एक बार वापस बना के देखो। नेक्स्ट वन बी, ऐसे बी बी है ना, एक मिनट मैम जो लिखवा रही है बेटा वो देखना है। सी सी देखो सी सी क्या देखे ऐसे ऐसे वेरी गुड, देखो डी कैसे बनाए मैम, देखो बेटा वेरी गुड ऊपर से, वेरी गुड लाइक दिस राउंड स्टैंडिंग लाइन, फिर अंदर की साइड राउंड स्टैंडिंग लाइन, अंदर की साइड राउंड आगे अब आप ही लिखना ना, अब आपको ये आने से ना वो आप ही लिखना। वो देखो मैम बता रही है, देखो बेटा ये कैसे लिखते हैं, ये स्मॉल देखो देखो स्मॉल ही बनाया, फिर इसको नीचे सी बना दो मैम। हाँ बेटा ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, चलो तो दोबारा देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा आप ध्यान से देखो, बीच में मत बोलना ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बनाया, ये देखो इधर बता देती हूँ मैं, वन टू थ्री फोर, ये देखो फोर लाइन की नोटबुक है, टी को कैसे बनाओगे, क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर से, ये देखो क्या बना देंगे, सी बना देंगे, इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे सी, नीचे से वेरी गुड। अब ई का एग्जांपल देखो बेटा, ई डी
स्टैंडिंग लाइन और फिर ऐसे करके अंदर की साइड राउंड, स्टैंडिंग लाइन अंदर की साइड राउंड, बहुत इजी है बेटा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा राउंड, थोड़ा दूर लेकर बेटा इतनी जगह है। फिर ये कम्प्लीट होने के बाद में स्मॉल लेटर्स लगवाऊंगी, फिर बच्चों को थोड़े थोड़े वर्ड्स दूंगी तो बच्चे क्या उसमें लिख पाएंगे, क्योंकि इसको इसको स्मॉल याद है तो इसने स्मॉल सारे लिख लिया, अभी कैपिटल में कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा अच्छा ऐसे क्या, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सिखाओ, मेरे साथ साथ में सिखाते जाओ, बच्चा एक दो बार करेगा तो समझ में आ जाएगा मैडम, कोई जल्दी नहीं है, स्मॉल बाद में सिखाऊंगी। अब देखो बेटा एफ थोड़ा सा टफ है, देखो मैम एफ बता रही है, देखो ना आप एफ बना रही हूँ, एफ वो कैपिटल बना रही, देखो बेटा एफ बनाया मैंने, एफ नहीं बनाना बेटू, ये देखो बेटा एफ लाइक दिस, इस मैडम की बुक में है ना, देखो ए बी सी डी ई एफ, एक मिनट देखो एफ दोबारा बताती हूँ मैं, जैसे लिखना है आपको फादर तो क्या लिखेंगे, F A T H E R father, F आया नीचे से, तो बस गोली घुमा ले यार क्या, तो जैसे A B C D E F कंप्लीट हो गया, आगे देखो बेटा T क्या लिखा है बेटा मैंने कैपिटल में, जी बॉबी, एफ जी लाइक दिस, जी पीछे से लेके आएंगे, फिर इसको टच किया, फिर इसको बोल बेटा म्यूट करो, सब अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, क्योंकि आपकी आवाज फिर दूसरे को जाती है तो दूसरा डिस्टर्ब होता है बेटा, मोबाइल में म्यूट करो, आपकी वीडियो चली जाती है जब आप लिखते हो ना, जब वीडियो चली जाती है, जब आप लिखना बंद कर देते हो जब फिर आ जाती है मैडम इट्स नेट, आपको समझ में नहीं आता, आप लिख जाते हो ना तो वो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैडम नेटवर्क स्लो होगा आपका, यहाँ से तो सही चल रहा है, नहीं दूसरे बच्चों की वीडियो आ जाती है ना साथ में। अच्छा अच्छा हाँ, तो बेटा आप बीच में मत बोलो, अपने आप को म्यूट करो, म्यूट का बटन होगा, मम्मा को बोलो म्यूट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर बेटा दूसरे को समझ में नहीं आता है, आप खाली देखते जाओ और लिखते जाओ, जो भी पूछना हो मेरे को अगली क्लास के बाद में पूछना, ठीक है जी। सौम्या म्यूट करो बेटा, जी हाँ जी, म्यूट करने के लिए बोला है, एच लिखो, एच हाँ बेटा एच सिखा रही हूँ, देखो एच, देखो नीचे देखो एच, मैंने ऊपर टू टाइम्स लिख दिया है, फिर ऊपर और वर्ड्स लिखेंगे अपन,
ये देखो फोर लाइन की नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक नहीं है सॉरी, ये तो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। अब ये देखो एच एच स्टैंडिंग लाइन करी सबने मेरे साथ में, फिर दोबारा स्टैंडिंग लाइन कर दी सबने। टू स्टैंडिंग लाइन करने के बाद में इस वाली स्टैंडिंग लाइन को क्या करेंगे, अंदर की साइड लेके चाहिए, देखो ऐसे करने के बाद में इसको अंदर की साइड लेके राउंड करके बाहर घुमा देंगे। ऐसा वाला अपन ने किस में किया था, ऐसा वाला अपन ने ए में किया था, लाइक दिस, देखो ए एंड एच बोथ आर सेम, ये स्लैंटिंग लाइन है और ये स्टैंडिंग लाइन है, डिफरेंस कितना है, खाली इतना ही, ये कौन सी है, स्टैंडिंग लाइन है बेटा ये, और ये स्लैंटिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन में अंदर की साइड जा रहा है। ये देखो फ्लो में लिखोगे, फिर आप लोग भी मेरी तरह लिखोगे, कैसे लिखोगे, फटाफट ए लिखा, फटाफट ए लिखा, फटाफट ए लिखा, लिखोगे ना, आप भी सीख जाओगे बहुत जल्दी। एच हो गया बेटा, आगे देखो बेटा आई, आई तो बहुत इजी है, आई 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 हो गया बेटा, चलो आगे देखो बेटा। अब जे देखो, जे आएगा फोर लाइन में, किसमें आएगा, जे आएगा फोर लाइन में, जे जे बनाया बेटा, वन टू थ्री फोर, जे बनाओ, कैसे बनाओगे, लाइक दिस, जे जे आएगा फोर लाइन में, ठीक है, बना रहे हो साथ साथ में सब, वेरी गुड। जे किसमें आएगा बेटा, फोर लाइन में, जे। अब जैसे लिखना है जे यू जी जग, लिखा जे, जैसे लिखना है जयपुर तो कैसे लिखेंगे, जे ए आई पी यू आर, जयपुर, जयपुर। अब क्या लिखना है बेटा, आगे देखो, जे के स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, ये अपन ने किस में रखी थी, एच में, एच में भी स्टैंडिंग लाइन है, लगाइए स्टैंडिंग लाइन जे, और के को कैसे करेंगे, ये क्या हो गया के, बहुत इजी, के तो वैसा ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, के लिख रहे हो सभी, मैम थ्री लाइन में या फोर लाइन में, ऊपर की थ्री लाइन में बेटा, के आएगा ऊपर की थ्री लाइन में, तीन लाइन में लिखा है ना बेटा मैंने, ये देखो जो फोर लाइन में आएंगे वो मैं अपने आप बता दूंगी आपको, ठीक है बेटा, ये आएगा ऊपर की थ्री लाइन में, जे के, के आई टी ई, काई, मैम आप लिखो ना साथ में, वेरी गुड, ऐसे हाँ, अब वापिस से लिख के दिखाओ यहाँ पे, गार्वी म्यूट करो बेटा, गार्वी म्यूट करो, म्यूट करो अपने आपको, हाँ म्यूट करो बेटा, जे के लिखा सबने, आगे देखो बेटा, अब लिखेंगे अपन एल, एल आएगा ऊपर की तीन लाइन में, एल, ये देखो नीचे बना के बताते बेटा, दोबारा रुको, वन टू थ्री फोर, देखो बनाया, प
like e like M. M. M O N K E Y monkey. Mother. M O T S E R mother. M लिखो बेटा. नेक्स्ट वन एन. एन तो वैसा ही है जैसा अपन लिखते हैं. एम एन. अब ओ ध्यान से देखना बेटा. एम एन ओ ध्यान से देखेंगे. ओ देखो. ओ क्या हो गया. ओ ओ बनाया. ओ जैसे लिखना हो अपने को. ओ आर ए एन जी ई. क्या हो गया. ऑरेंज. क्या हो गया. ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. वो सब बाद में आएंगे बेटा. खाली मैं आपको ज्वाइंट करना बता रही हूँ कि ओ को कैसे ज्वाइंट करेंगे. फिर अपन पी. पी बनाया आपने. कैसे बनाया. जैसे बी बनाया वैसे ही पी बनाएंगे. बी कैसे बनाया बेटा. देखो जैसे बी बनाया वैसे ही क्या बनाएंगे अपन. पी बनाएंगे. ठीक है. अब ये देखो ये क्या हो गया. ये पी और ये बी. इट्स सिंपल. लाइक दिस. लाइक दिस. और इसको हाफ कर देंगे तो ये पी हो जाएगा. क्या हो जाएगा. पी हो जाएगा. लिख रहे हो बेटा आप लोग. जैसे लिखना हो पीयूष. पी आई वाई यू एस एच. पीयूष लिखा. पी. क्यू जैसा आप लोग बनाते हो वैसा ही बनेगा. क्यू इजी है. पी क्यू. क्यू क्यू. क्वीन. मैम एक बार फिर से बताओ क्यों. क्यों बेटा. देखो ओ बनाया आपने. मेरे साथ में ओ बनाया था आपने. ओ बनाया था ना. हाँ. तो देखो ओ बना दो. ओ बना के इसको नीचे ले जाओ. राउंड कर दो बस. क्यों. क्यों 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 क्यों. हाँ म्यूट रखो बेटा. म्यूट रखो. पी क्यू आर. आर. अब आर देखो कैसे बनेगा. पी बनाया था ना मेरे साथ में वैसे ही आर बनेगा. ये देखो आर. आर. अब इधर देखो स्टैंडिंग लाइन. आर आर आर.
R A H U L राहुल लिखा बेटा R P बनाया वैसे यार बनाओ S थोड़ा सा डिफिकल्ट है S S देखो बेटा ऊपर की तीन लाइनों में S S बनाया थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा हाँ ध्यान से देखो दोबारा बनाते हैं चलो S को मेरे साथ साथ में बनाओ वन टू थ्री फोर अब ये देखो यहां से स्टार्ट करेंगे S S बनाया S को चिड़िया भी बना सकते हैं ये देखो ये क्या बन गई चिड़िया बन गई ना बना दिया ना S ये क्या हो गई एक स्पैरो हो गई चिड़िया बन गई देखो S को कैसे बनाओगे S चलो दोबारा रिपीट करते हैं S S जैसे लिखना हो सूरज S U R A J सूरज J भी आ गया और S भी आ गया देखा कितना मस्त लग रहा है ये सूरज लिखा है S बेटा S दोबारा देखो S फिर इस यहीं से कनेक्ट कर देंगे S U N sun ठीक है S O N sun P Q R S T like this T F की तरह T बनेगा कैसा बनाया था F F बनाया था ऐसे और ये लाइन नहीं करके बीच में स्लीपिंग लाइन नहीं करनी है बेटा दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन तो स्लीपिंग लाइन बीच में नहीं डालनी है ये तो हो गया F और ये हो गया T T F के जैसा ही T बनेगा बेटा T T U U U U U B V V V मैं वापस एक एस बताना है हाँ बेटा वापस से बता रही हूँ एस एस देखना है ना चलो मेरी तरफ देखो इधर देखो बेटा लेके गए ऊपर राउंड किया अंदर की साइड बाहर निकाला लाइक दिस ये क्या हो गई स्पैरो ये स्पैरो का पेट हो गया ये पैर हो गए मैम एस फॉर सन वापस बताना एक बार ये देखो मैडम साहब दे कैपिटल में सिर्फ ना कैपिटल में आती
बेटा आप घर पे दो चार बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, आपकी फ्लो भी हो जाएगी। आप घर पे ट्राई करते रहना, आप दो तीन दिन इसको रेगुलर लिखोगे तो सारे वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे लिखने हैं। और फिर अपन किस क्या सीखेंगे, स्मॉल लेटर सीखेंगे, स्मॉल लेटर ए टू जेड सीखेंगे। फिर ये दोनों आपके कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स दूंगी करने के लिए, जो किसमें करना है। मैम एक बार एस वापस बताना। हाँ मैडम जरूर, श्योर श्योर, एक बार वापस करती हूँ मैम। क्या देखो बेटा, एस देखो, आप ध्यान से देखो, आप साथ साथ में करते रहो। ये देखो मैम आपकी फोटो नहीं आ रही है, एक सेकेंड रुको, अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं गार्वी की फोटो आ रही है। गार्वी गार्वी म्यूट करो बेटा अपने आप को। सौम्या म्यूट करो बेटा। हाँ देखो, अब देखो दिख रहा है। नहीं मैम वो गार्वी का भी रुका हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं है उसपे भी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैडम, मेरी यहाँ से बता रही है फोटो, वहां से ही कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बताऊं? हाँ मैम वो बता दीजिए आप। वो अब आ गया मैम। आ गया ना। हाँ तो पहले आप एस देख लो, ऐसा हो तो फिर वीडियो भी देख लेना, नहीं समझ में आए तो दोबारा, ठीक है ना। ये देखो इधर देखो पहले बाबू, देखो इतना बना दिया, ऐसे बनाओ, बस इतना बनाओ पहले। नेट प्रॉब्लम ही आ रही, नहीं चल रहा। बाहर निकाल दो बाबू, इसमें ना तूने रुक गया। आगे चलो बेटा, W जैसे V लिखा है वैसे ही W। बोला था ना ये ना उसका घर है, मैं जिसे बोला था ना उसका घर है। एक्स बनाया बेटा, देखो पहले सी बनाओ फिर ई बना दो। पहले क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे फिर ई बनाएंगे। बनाया, सी बना के ई बना दो। एक्स